राकेश जी हैं हमारे साथ और इन्होंने अभी एग्जाम क्लियर किया है और फाइनली सिलेक्शन भी हो गया। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका अपना कीमती समय निकालने के लिए। शुक्रिया सर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो राकेश जी आप बताइए कि आप कहाँ से हैं और अपने बारे में थोड़ा बताइए, कब डिप्लोमा पास आउट किए। अच्छा, मेरा नाम राकेश साव है, मैं वेस्ट बंगाल हुगली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैंने डिप्लोमा 2019 में किया है, यही बंगाल से ही किया है। एंड देन उसके बाद 6-7 महीने गैप के बाद फिर अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने का मौका मिला था भारत पेट्रोलियम से, तो वहाँ 1 साल का अप्रेंटिस ट्रेनिंग किए थे। तो साथ में बीटेक का भी एडमिशन ले लिए थे, बीटेक का एडमिशन, और तभी से तैयारी शुरू किए थे। मोटा मोटी बोल सकते हैं 2021 से तैयारी शुरू किए थे कम्पिटिटिव एग्जाम का। ठीक है। और अभी अभी फाइनली सिलेक्शन तो आपका कहाँ पे हुआ है आप अपने तरफ से बता दीजिए, ऐसे हम तो बोल चुके हैं। ठीक है अच्छा, तो एनपीसीएल डावल भट्टा का जो साइट है उसमें मतलब फाइनल सिलेक्शन हो गया है रिटेन एग्जाम और इंटरव्यू के बाद। फाइनल लिस्ट में नाम आ चुका है ना। हाँ जी, हाँ सर। तो अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, आप अपने लाइफ को मतलब किस वे में ले जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा बताइए सब लोगों को पता चले कि आगे क्या करना अच्छा होता है। अच्छा कुछ महीने, 1 से 2 महीने पहले ही मेरा बीटेक भी कंप्लीट हो गया है और साथ में एक मतलब डिप्लोमा लेवल पे जॉब भी मिल गया है। तो अब आगे गेट का या फिर जो असिस्टेंट इंजीनियर जो डिग्री बेस का जो एग्जाम होता है, अब उसको टारगेट करके पढ़ाई लिखाई आगे कंटिन्यू करना है और ऐसे ही। चलिए अच्छा है, अपना अपना टारगेट होना चाहिए ताकि लाइफ में कभी बोरिंग फील नहीं हो, इसके लिए हाँ ठीक हाँ है, बिल्कुल। अच्छा चीज है, टारगेट हमेशा रखना चाहिए। ये सुन के अच्छा लगा और बाकी जो भी लोग सुन रहे हैं आप भी अपने लाइफ में जब भी ऐसा मौका मिले तो आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक है, अब आगे बताइए कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसा रहा, आप कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम दे पाते थे और मतलब ओवरऑल क्या आपका प्रिपरेशन कैसे हो पाया जिससे कि आप रावत भाटा में सिलेक्ट हुए। अच्छा, तो जो भी नया स्टूडेंट या फिर जो फ्रेशर्स बच्चे तैयारी करना चाहते हैं खास करके गवर्नमेंट एग्जाम में, तो उनका मेरा एक सजेशन रहेगा, पहले कोई भी एक अच्छा कोचिंग वगैरह से आप एक बार क्लासेस कर लीजिए सारा का सारा सब्जेक्ट, चाहे ठीक कोई है भी हो, यूट्यूब का हो या फिर ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन में, कहीं पहले क्लास कर लीजिए। वहां पे जो आपको मतलब क्लासेस कराया जाएगा वो ऑलमोस्ट कंसेप्ट बता देंगे ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, लेकिन वो कंसेप्ट कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए इनफ नहीं रहेगा। सब बच्चे एक चीज हमेशा याद रखे, कंसेप्ट से आप सिर्फ 70% क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाइएगा। जो 70% क्वेश्चन सब बच्चे करते हैं, बाकी का 30% क्वेश्चन स्टैटिक एंड डाटा टाइप का रहता है, जिसे सिर्फ बार बार क्वेश्चन लगाकर और पढ़ के ही मतलब आप क्रैक कर सकते हैं, उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप एक बार कोचिंग कंप्लीट कर लीजिए, जितने भी मैकेनिकल के बेसिक बुक्स आते हैं, जैसे सबसे पहले RS कुर्मी, उसके बुक्स लगाइए, और जिस क्वेश्चन आपको दिक्कत हो रहा है उसको, या फिर जो स्टैटिक क्वेश्चन है डाटा टाइप का, जैसे एक लेते हैं तो पूछ लेता है वाटर का बल्क मॉड्यूलस कितना है, तो इस सब जो डाटा टाइप का क्वेश्चन है ये जल्दी याद नहीं होते, इसको आप अपने नोट्स में साथ साथ नोट करते जाइए, तो आपका नोट्स में कंटेंट ऐड होता जाएगा, जब भी रिविजन करिएगा उस चीज दिमाग में स्ट्राइक करते जाएगा। पहले से RS क्रीम लगाइए, RK जैन लगाइए, देन YCTC का बुक लगाइए। जब ये सब लगाना हो जाए, और साथ में टेलीग्राम में बहुत सारे चैनल है, साथ में हमारे OPG भी बहुत सारे चैनल चलाते हैं जिसमें डेली क्विज होता है, उस क्विज को लगाइए। क्विज को लगाते जाइएगा तो बार बार क्वेश्चन सामने आएगा, रिविजन होते जाएगा, उस चीज याद होगा। मैंने ऑलमोस्ट OPG के साथ 1 साल क्विज लगाया उनके टेलीग्राम चैनल पे, इसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मुंह जुबानी याद हो गया है, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इस चीज को कंटिन्यू 2 से 3 साल तक करते जाइए, सिलेक्शन पक्का होगा। और चैनल का नाम क्या है आप थोड़ा सा बता दें तो लोगों को हाँ भरोसा हो जाएगा। हाँ OP यादव जी जो क्विज का चैनल चलाते हैं वो मैकेनिकल समाज है टेलीग्राम में, बहुत सारे बच्चे का वहां पर सिलेक्शन हुआ है, ऑलमोस्ट 25-30, अब तो NPCL के बाद 40 से ज्यादा बच्चे का हो जाएगा। आप लोग वहां से जुड़िए, कुछ फ्री भी है कुछ पेड भी है, पेड मतलब इतना ज्यादा प्राइस भी नहीं कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाएगा, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है,
जो आप सब लोग ऐसे ही मतलब दे सकते हैं, और बेनिफिट उसका अनलिमिटेड है। एक एक सब्जेक्ट का, एक एक बुक का चैप्टर वाइज क्विज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, मुझे बहुत बेनिफिट मिला है उससे। ठीक है, और बाकी जो भी लोग सुन रहे हैं उनको भी कहना चाहेंगे कि इसका इस जो क्विज का लिंक है ग्रुप का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेक करिएगा, वहाँ पे आपको सारा चीज अवेलेबल मिलेगा। वहाँ पे आपको फ्री ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाइएगा आपको पेड का भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो आप लोग जैसा चाहें फ्री करना चाहें फ्री, अदरवाइज पेड है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ तो नेक्स्ट चलते हैं राजेश जी की, आप कहाँ से पढ़े थे और कोई यूट्यूब चैनल आपके नजर में है जो कि लोगों को मदद करे इस टाइप से तैयारी करने के लिए, तो वो भी आप बता सकते हैं। अच्छा, पढ़ने मतलब मैंने बेसिक जो कोचिंग है वो कोचिंग कहाँ से लिया है? हाँ, अगर आप अच्छा, कोलकाता से हैं तो शायद आपके जान पहचान भी बगल में होंगे, वो भी सुन रहे होंगे, तो उनको भी थोड़ा सा गाइडेंस हो जाएगा। या फिर कोई यूट्यूब चैनल है जिससे आपने तैयारी किया इंटरव्यू का या रिटेन का, तो भी हाँ बता हाँ दीजिए हाँ कि उनको फायदा हो इस चीज का। अच्छा, कोचिंग जो मैं किया था वो एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस बोल के भोपाल का एक कोचिंग सेंटर है, वो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में उन लोगों से लिया था। दो तीन टीचर है, बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे पढ़ाए हैं। उसके बाद कोचिंग लेने के बाद अगर इंटरव्यू, जैसे आपका एग्जाम निकल गया है, तो इंटरव्यू के लिए यूपीडिया बोल के एक चैनल है जो यूट्यूब पर मतलब प्रिपरेशन कराते हैं, वन टू वन मॉक कराते हैं, आप उनसे सब्सक्रिप्शन लेके वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैंने वो लिया था, मुझे मेरे लिए बहुत बेनिफिट चल रहा वो। योर पीडिया बताया ना? हाँ, योर पीडिया। हाँ, तो जो भी देख रहे हैं आप योर पीडिया को जाकर के सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे देखिए फ्री के लिए भी बहुत सारा अवेलेबल है, और वहाँ पेड भी जैसा कि राकेश जी ने बताया वो भी अवेलेबल है, तो जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं, है ना? और हाँ बिल्कुल। बताइए राकेश जी की, आप डेली कितने घंटे पढ़ते थे और डेली आपका रूटीन क्या रहता था पढ़ते समय? अच्छा, तो मैं मेनली घर में था, तो घर में कोई काम तो था नहीं, घर के तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, तो 24 घंटा ही मेरा होता था, तो मैं इसमें ट्राई करता था कम से कम 12 घंटे स्टडी में देने के लिए। तो 12 घंटे तो नहीं हो पाता है, लेकिन 9 से 10 घंटे तक हो जाता था। इसको कंटिन्यू मेंटेन करने का कोशिश करते थे, लेकिन हर 10 से 12 दिन के बाद एक मतलब डिमोटिवेट वाला फेज आता है, तो उस दिन उस टाइम आपको क्या करना है, 1-2 दिन का ब्रेक ले लेना है। जैसे ही आप थोड़ा सा पढ़ाई से रिटच होइएगा, आपको लगेगा कि हाँ मेरा पढ़ाई छोड़ गया है, फिर आप अच्छा ही उस एनर्जी से फिर अगले दिन से शुरू कर सकते हैं। मैं हमेशा वैसा किया हूँ, 10 से 12 दिन का कंटिन्यू स्टडी, देन 1-2 दिन का ब्रेक, स्टडी ब्रेक, ऐसे करते करते, और 10 घंटे के आसपास अगर आप डेली मेंटेन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप टेक्निकल एक स्टूडेंट है, आपको टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक का भी बहुत सारा पोर्शन आपको देखना है, कवर करना है, बहुत जरूरी हो जाता है वो। और सही है। और डेली रूटीन क्या, मतलब सुबह में कितने बजे से पढ़ते थे, अगर लड़कों को ऐसा कुछ बताइए कि हाँ इस टाइम में पढ़ना ज्यादा बेनिफिशियल है, तो उस टाइम को वो भी सिलेक्ट कर पाए। अच्छा, नॉर्मली बच्चे मतलब रात में पढ़ना बहुत प्रेफर करते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं रात में नहीं पढ़ पाता था। मेरा सैंपल सुबह 6 बजे से 9 बजे तक नींद से उठ के, मैं तो मतलब फ्रेश भी नहीं होता हूँ, 6 से 9 आराम से पढ़ 3 घंटा के लिए खुद को दे देता हूँ, फिर उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करके फ्रेश व्रेश होके, फिर 10 से 1, फिर 1 से 4, 3 घंटे आराम से खा पी के सो जाइए, 1-2 घंटे का अच्छे से नींद लीजिए, फिर 4 बजे से शुरू करिए रात के 10 बजे तक, बीच में 1-1 घंटा करके ब्रेक लीजिए, इतना टाइम बहुत एनफ रहेगा, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है किसी को भी। 10 घंटा अगर कोई दे देता है डेली, वो एनफ रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए। और डेली कितना क्यूज देना चाहिए, कुछ कुछ लोग को हम देखे हैं चाहे हमारे ग्रुप में भी हैं, तो उनको क्यूज के लेकर पूरा ये रहता है कि एक दिन में 5 करवा दीजिए 10 करवा दीजिए, और वो लोग मतलब इस तरीके से मैसेज करते हैं कि 3 दिन में RF खुल में खत्म कर दीजिए, 2 दिन में कर दीजिए, तो मतलब एक जो बिगनर होगा या फिर जो तैयारी कर रहा होगा उसको कितना क्यूज अटेम्प्ट करवाना चाहिए डेली, मतलब कितना सेट कर लेना चाहिए जो कि फायदा रहेगा। अच्छा, तो क्विज के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, क्विज जरूर दीजिए, लेकिन उसका एक पैटर्न है। जैसे आप अगर RS कुर्मी का बुक लगा लिए हैं,
आर स्टूडेंट का बुक लगाने के बाद अब फिर से आपको बुक लगाने का मन नहीं करेगा। देन वहां पर देखिए ओपीजी रोज एक सेट कराते हैं, बोल देते हैं आज इस चैप्टर से 50 क्वेश्चन रहेगा, आपको पढ़ के आइए, आपको सिंपल वो चैप्टर का सारा क्वेश्चन लगा के फिर शाम में क्विज अटेंड करना है। ऐसे डेली करना है, एक ही दिन या दो दिन में मुझे पूरा बुक खत्म करना, ऐसे करिएगा तो वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो मैं बोल रहा था एक एक चैप्टर पढ़िए उसका क्विज दीजिए, एक एक चैप्टर पढ़िए उसका क्विज दीजिए। तो मैं बोलना चाहूंगा अगर आप तीन क्विज, एक आर एस खुड़ में, एक आर के जैन और एक YCTC का, ये तीन क्विज दे रहे हैं और साथ में और एक क्विज जो मिक्स होगा सारे चैप्टर से मिला के, मतलब डेली अगर 200 क्वेश्चन, हर एक क्विज में 50 क्वेश्चन होते हैं, डेली अगर 200 क्वेश्चन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा कि एक मंथ में आप बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लीजिए उस हिसाब से। बिल्कुल, और सही बताया आपने कि जैसे कि जो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं हमारे मैकेनिकल में भी, तो उसको याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है क्यूज, आपका दो बार तीन बार गलत होगा वो आपका फिर याद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्यूज तो लगाना जरूरी है ही, और सारा चीज इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उसको, तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। और ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अब लगभग 1200 स्टूडेंट हो चुके हैं फ्री वाले में तो, और 300 से ज्यादा हो चुके हैं पेड में, है ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं कि प्रिपरेशन जब लोग कर रहा होता है तो बहुत सारा फैक्टर आता है, जैसे उतार चढ़ाव जैसे अभी आपने बताया, तो उसमें भी आता है कोई नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट, तो कौन से बात को अवॉइड करना चाहिए स्टूडेंट को और किस बात पे फोकस करना चाहिए, इस टाइप से कुछ बताना चाहें तो। हाँ, तो बहुत सारे मतलब देखिएगा यूट्यूब चैनल वगैरह या बहुत सारे मतलब टीचर वगैरह बोलते हैं कि आप 2 साल दे दीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है, और वो 2 साल का मतलब ये बोलना चाहते कि आप सब कुछ भूल जाइए, फैमिली फ्रेंड्स, कोई मूवी नहीं देखिए, कोई वेब सीरीज नहीं देखिए। मैं इस चीज से एग्री नहीं करता हूँ, आपके प्रिपरेशन के दौरान सब कुछ साथ होना चाहिए। मैं फिल्में भी देखता था, मैं वेब सीरीज भी देखता था, साथ में पढ़ाई भी करता था, लेकिन सब एक कंट्रोल मैनर में, तो कोई चीज को पीछे नहीं छोड़ना है, सब चीज को साथ में लेके जाना है। हाँ, आपका मूवी का टाइम है, आप अपना डिसाइड कर लीजिए, हाँ मैं 10 से 11 इतना ही टाइम मूवी देखूंगा, उसके बाद से मैं फिर डेली रूटीन में वापस आ जाऊंगा। तो सब कुछ साथ में लेके चलना है, किसी चीज को अवॉइड नहीं करना है। अगर आप किसी चीज को नहीं सोचेगा, नहीं मैं मूवी नहीं देखूंगा, मैं वेब सीरीज नहीं देखूंगा, मैं गेम नहीं देखूंगा, सिर्फ पढ़ूंगा, तो आप ज्यादा फ्रस्ट्रेट होइएगा, ज्यादा आपको प्रेशर बनेगा। सबसे बातें करिए, ये बहुत अच्छा रहेगा प्रिपरेशन के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल सही चीज है कि अगर आप किसी चीज को छोड़ेंगे ना तो वो आपको और परेशान करेगा, ये बात। हाँ हाँ बिल्कुल, इसलिए अवॉइड नहीं करना है कम्प्लीटली 100%, हाँ ये चीज मैं नहीं करूंगा, और वही है कि एक्सेस नहीं करना है, जैसा कि सही बताया कि कंट्रोल मैनर में करना है ना, कि एक दिन में देख रहे हैं तो अपना एक घंटा आधा घंटा जो भी रखें वो डेली के रखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं देखेंगे तो आपका हो सकता है उसमें 2 घंटा से ज्यादा समय, कभी कभी पूरा दिन भी बर्बाद हो सकता है ना। और डिप्रेशन तो आता ही है स्टूडेंट को प्रिपरेशन के दौरान, तो इससे भी बचने का कोई उपाय है, मेडिटेशन या फिर कुछ और, तो मतलब कहीं घूम लें इस टाइप से, तो आप क्या करते थे थोड़ा बताइए। डिप्रेशन का फेज जैसे पहले कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले DRDO का एक मतलब बहुत वैकेंसी वाला एग्जाम हुआ था, जिसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं Tier 1 क्लियर किया था, Tier 2 में कुछ परसेंटाइल की वजह से मेरा नहीं हुआ था, तो उस टाइम मतलब बहुत लो फील हो रहा था, बहुत डिमोटिवेट फील हो रहा था। उस टाइम पर जरूरी है कि मतलब अब घूमना उमना या फिर ये सब अकेले बैठे रहने तो अच्छा है आप फैमिली से बात करिए, अगर आपका फैमिली बहुत सपोर्टिव नेचर का है तो आपको बहुत हौसला मिलेगा। मुझे मेरे फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला था, जब भी मैं बताता कि हाँ इस एग्जाम में मेरा नहीं हुआ है तो वो एक ही बात बोलते थे, कोई नहीं बेटा मेहनत करो होगा, ये नहीं तो कोई दूसरा एग्जाम में होगा। तो सबसे अच्छा है आपको फैमिली को टाइम दीजिए, जिस टाइम भी आपको डिमोटिवेट लगे या फिर नहीं अच्छा लगे, ये सबसे बेस्ट तरीका है। बिल्कुल सही है, फैमिली और कोई अपना पर्सनल फ्रेंड भी होता है तो आप उससे भी डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा लगा यहाँ तक सुन के, काफी लोगों को पसंद आ रहा होगा कन्वर्सेशन, और आप फिर ये भी बता दीजिए कि काफी लोग जाते हैं इंटरव्यू में तो पहले से डरते रहते हैं कि हमको पता नहीं कितना देर में निकाल देगा, कितना देर में भगा देगा,
है ना, इस टाइप का। और हाँ तो आपका क्या इंटरव्यू टाइमिंग था, कितना देर आपका इंटरव्यू चला था रावतवाड़ा में? अच्छा, तो जो भी सुन रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा, इंटरव्यू भी एक प्री प्लान स्ट्रेटेजी होता है। उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। आपको अपने स्ट्रेंथ पे मतलब जाना पड़ेगा। जैसे पकड़िए, मैं बताया था, जैसे डिप्लोमा के बाद मैंने अप्रेंटिस किया है, बीटेक किया हूँ, बहुत सारी चीज किया हूँ। और जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं तो पूछते हैं आपने कुछ किया था। तो मैंने जब अप्रेंटिस किया था तो मैं वहां पर मतलब ज्यादा काम में फोकस नहीं करके मैं अपने वहां पर पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा फोकस कर रहा था। वहां पर मुझे वो चांस दिया गया था कि मैं पढ़ सकूं, तो मुझे अप्रेंटिस का कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं था, तो मैंने वो चीज वहां पर अवॉइड कर दिया। मैं बोल दिया कि नहीं, मैंने कोई अप्रेंटिस नहीं किया, मैंने कोई बीटेक नहीं किया है। अब बीटेक बोलते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी उन लोगों का थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैंने वो चीज हटा दिया था पूरा कंप्लीटली। उसके बाद से आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे पकड़िए, अगर आप कोई पावर प्लांट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको पावर प्लांट ही आपका अपना मजबूत सब्जेक्ट या फिर फेवरेट सब्जेक्ट में रखिए। अगर पकड़िए आप पावर प्लांट अपना फेवरेट सब्जेक्ट में रख रहे हैं तो आप कुछ ऐसा चीज जानिएगा या फिर बोलिएगा इंटरव्यू के दौरान जो उन लोगों को पसंद आएगा, तो देन वो सिलेक्शन हो सकता है उसी चीज पे हो जाए। जैसे टू बी ऑनेस्ट मैं अपना बात करूं तो एनपीसीआर रावलभाटा में जो जो बच्चे का एक्सपीरियंस था या फिर जो काम कर चुके थे उन लोगों से 45 मिनट इवन 1 घंटे तक का भी इंटरव्यू चला, और कुछ बच्चों को ऑन एन एवरेज 20 मिनट में भगा दिया गया। वो एक बच्चा मैं भी था जिसे 20 मिनट में भगा दिया गया। मेरा भी इंटरव्यू सिर्फ 20 मिनट का ही था। और स्टार्टिंग में मैं थोड़ा नर्वस भी हुआ था, लेकिन वो लोग अपना टाइम देते हैं कि आप फिर से कमबैक करिए। स्टार्टिंग में अगर चार अगर पैनल मेंबर है, अगर एक के सामने अगर थोड़ा खराब भी जाता है तो बाकी तीन के सामने अगर अच्छा परफॉर्म करिएगा तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। इवन मुझे जो चेयरमैन है उनके सामने बहुत अच्छा मेरा इंटरव्यू नहीं गया था, फिर भी बाकी जो तीन पैनल मेंबर है उनके सामने मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू गया। इवन मेरा मार्क्स में भी 100 में से 75 से ज्यादा आया है इंटरव्यू में। मैं आपको कहना चाहूंगा सिर्फ 20 मिनट का इंटरेक्शन में, और कुछ कुछ बच्चों का 40-45 मिनट तक इंटरेक्शन गया इंटरव्यू में, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये मायने रखता है टाइम कितना है, ये मायने रखता है कि आप क्वालिटी, आप क्या समझा रहे हो उस 15-20 मिनट में, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई मतलब टू द पॉइंट बात करके आप कम समय में भी हाँ हाँ उनको हाँ ज्यादा ये दे सकते हैं अपना कि हाँ हमारे अंदर है। और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करना चाहते हैं, मतलब बताना चाहते हैं कि किस हाँ लेवल हाँ का हाँ क्वेश्चन था, उसका मीडियम क्या था, मतलब कि इजी था या मॉडरेट था या हाई था, अगर वो भी बताना चाहें तो बता दीजिए, क्योंकि हाँ हाँ लोग उसी तरीके से तैयारी करें। बहुत लोग डर जाते हैं कि पता नहीं हमसे क्या पूछ लेगा, है ना, थोड़ा हाँ हाँ सा वो भी बता अच्छा, तो दीजिए। लगभग मैं पकड़िए 3-3:30 बजे, 3:30 बजे के बाद पैनल के पास एंटर किया तो चार पैनल मेंबर थे, एक चेयरमैन थे और बाकी तीन जिसमें से एक लेडी मेंबर थे। तो मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट कुछ चूज करके गया था कि हाँ इस सब्जेक्ट से अगर पूछेगा तो मैं अच्छे से जवाब दे पाऊंगा। इसमें से सबसे पहले मैं पावर प्लांट रखा हुआ था। अगर पावर प्लांट में आप जा रहे हैं तो वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि हाँ अगर उस बारे में आप जानते हैं तो आपका एडवांटेज रहेगा। तो सबसे पहले पावर प्लांट था मेरा, थर्मोडायनामिक्स था, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, आईसी इंजन और फॉर्म एफएम, ये होता ही है। ये 6 सब्जेक्ट मैं करके गया था। देन जब मैं एंटर किया तो जैसे बोलते हैं मियाँ कमिंग सर बोल के एंटर किए, वो लोग परमिशन दिए, फिर जाके वहां पर बैठा। फिर जो बेसिक क्वेश्चन वगैरह होते हैं, घर कहाँ पर है, कहाँ से आए हैं, हुआ। उसके बाद जो एक अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो पकड़िए मैं 2019 में डिप्लोमा पास आउट कर गया हूँ, उसके बाद मैंने अपना अप्रेंटिस भी नहीं बताया, मैंने बीटेक भी नहीं बताया। फिर वो पूछते हैं वो गैप में आप क्या कर रहे थे, उसका एक अच्छा रीजन, एक अच्छा सोर्स आप ढूंढिए जिससे वो लोग सेटिस्फाई हो सके। ऐसे मैं अपने केस में बताया था कि मुझे डिप्लोमा कैंपस में प्लेसमेंट मिल गया था, लेकिन उस टाइम पर जिस टाइम प्लेसमेंट मिला था ऑटोमोबाइल का मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, इसलिए कंपनी मुझे ज्वाइनिंग नहीं करवाई, 6 महीने होल्ड में रख के छोड़ दी थी। फिर कोविड आ गया, फिर कोई जॉब नहीं मिला। देन उसके बाद से मैंने खुद पढ़ना शुरू किया और डिप्लोमा के बच्चों को भी पढ़ाता था। आप इस तरह से अच्छा एक अपना बैकग्राउंड बता सकते हैं। देन आप टेक्निकल पोर्शन पे आ गए तो वो पूछे आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो मैं सिंपल बता दिया
पावर प्लांट में फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद ये पूछे कि कितने पावर प्लांट होते हैं बताओ, कौन कौन से नाम सुने हो। तो मैं बताना शुरू कर दिया जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली पावर प्लांट में, स्टीम पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। मैं ये चार बोल के रुक गया। फिर वो बोले अच्छा और कौन कौन सा पावर प्लांट है। फिर मैं बताया कि सर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ का बहुत सारे पावर प्लांट है, जैसे विंड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, जियो थर्मल पावर प्लांट। जब मैं जियो थर्मल पावर प्लांट बोला तो वो रुक गए। बोले अच्छा ये जियो थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, इसका वर्किंग बताओ। टू बी ऑनेस्ट मैं ये नॉन कन्वेंशनल जो पावर प्लांट है ये नहीं पढ़ के आया था, नहीं पढ़ा था तो मैं उद्योग में जानने नहीं गया था, लेकिन एक बेसिक आइडिया था। मैं उनको बताया कि हाँ जो अर्थ के नीचे जो मेटल वगैरह रहता है, मोल्टन स्टेट में रहता है, वही कभी कभी अर्थ के वाटर सरफेस को कई जगह पर गर्म कर देता है उसी को यूज करके। तो मैं ज्यादा इसमें डिस्कम्फर्ट हो रहा था। देन एट द एंड फिर उसी में वो क्वेश्चन पूछे तो मैं बता दिया कि सॉरी सर ये मैं नहीं पढ़ के आया हूँ। फिर वो सोलर पावर प्लांट से पूछने लगे। देन मैं स्ट्रेट बोल दिया सॉरी सर मुझे इसके बारे में नहीं पता है। फिर मैं सामने चला कि सर हम लोग तो डिप्लोमा लेवल पर मेनली ये चार पावर प्लांट पढ़ाए जाते हैं जो आप पढ़े होंगे सभी बच्चे। फिर वहां से वो स्टीम पावर प्लांट से पूछना शुरू किए, टीएस डायग्राम, सुपर क्रिटिकल रैंकाइन साइकिल। टीएस डायग्राम में थोड़ा डिटेल्स में घुसे। हम लोग नॉर्मली टीएस डायग्राम जब बनाते हैं तो सैचुरेटेड वेपर लाइन और सैचुरेटेड लिक्विड लाइन दोनों बराबर बना देते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। सैचुरेटेड वेपर लाइन थोड़ा सा फ्लैट होता है और ये लिक्विड लाइन थोड़ा सा स्टीप होता है। वहां पर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज किए थे। फिर जब सुपर क्रिटिकल रैंकाइन वाला कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनेगा, थोड़ा सा कर्व होता है, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्टीम पावर प्लांट से बस इतना ही पूछे। दिन गैस पावर प्लांट से दो चार क्वेश्चन पूछे, गैस पावर प्लांट को गैस पावर प्लांट क्यों कहते हैं, कौन सा फ्यूल यूज होता है, लिक्विड फ्यूल यूज करते हैं तो इसमें गैसेस फ्यूल यूज कर सकते हैं क्या। इस चेयरमैन का मेनली ये सब क्वेश्चन था। आगे कंटिन्यू करना है ओपी जी? बिल्कुल 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 कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं, टाइमिंग का कोई नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके बाद जो सेकंड पैनल मेंबर था, तो अच्छा ये जो फर्स्ट चेयरमैन के साथ इंटरेक्शन हुआ तो मुझे लगा मैं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। तो फिर वो चेयरमैन जो थे, मैं एक क्वेश्चन बताना भूल गया, वो बताए थे अच्छा जियो थर्मल पावर प्लांट इंडिया में होता है क्या, कहीं पर नाम सुने हो देखे हो। तो मैं बोला हाँ सर इंडिया में है एक जियो थर्मल पावर प्लांट, लेकिन मैं उसका नाम भूल गया हूँ। अच्छा जियो थर्मल पावर प्लांट इंडिया में है, जम्मू कश्मीर में है, एक मुंबई में है, एक एक्चुअली जोन होता है जियो थर्मल जोन, तो वहां पे एक पावर प्लांट है जम्मू कश्मीर का, शायद पोगवा नाम है। उस टाइम मैं नाम भूल गया था, लेकिन फिर चेयरमैन बोले नहीं 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 इंडिया में कोई जियो थर्मल पावर प्लांट नहीं है, एक चेयरमैन बोल रहे हैं। लेकिन फिर मैं सॉफ्टली बोला नहीं सर इंडिया में भी जियो थर्मल पावर प्लांट है। मतलब वो जो बोल रहे थे मैं उनका ऑपोजिट में आके बोला कि नहीं सर है, मतलब उनको आप डायरेक्टली ना तो नहीं बोल सकते लेकिन है। लेकिन वो लास्ट में अपना ही बात मनवाए कि नहीं इंडिया में नहीं होता है, ओशन कंट्री में भी हो सकता है। तो लास्ट में मैं भी अपना बोला कि अच्छा सर हो सकता है, तो आप अगर अपने तरफ से श्योर है तो उससे आप अड़े रह सकते हैं। जैसे मैं कुछ देर तक अपने बयान पे अड़े रहा था। अच्छा चेयरमैन के साथ ये इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद सेकंड जो मेंबर है वो थर्मोडायनेमिक्स से पूछे हैं, वो थर्मोडायनेमिक्स से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, जैसे पॉइंट फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है, स्टेट क्या है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी बताओ जो पाथ फंक्शन है। जैसे मैं हीट वर्क, नॉर्मली बच्चे हीट वर्क बताते हैं, एक एंट्रोपी जनरेशन भी पाथ फंक्शन होता है। जब मैं उनको एंट्रोपी जनरेशन बताया तो बताया अच्छा एंट्रोपी ये पाथ फंक्शन है। देन मैं बोला नहीं सर एंट्रोपी नहीं, एंट्रोपी जनरेशन। देन उस चीज से वो लोग थोड़ा इम्प्रेस हुए कि हाँ बच्चे को थोड़ा डीप में पता है एंट्रोपी और एंट्रोपी जनरेशन दोनों चीज अलग होता है। तो ये कुछ कुछ चीजें है जो आप इंटरव्यू को इम्प्रूव करता है। देन वो एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछे, देन वो बहुत सारे एग्जाम्पल है कौन सा इंटेंसिव एक्सटेंसिव है ये बताइए, ऑलमोस्ट 10-12 एग्जाम्पल वो पूछे, मैंने एक एक करके सब बताया। सेकंड पैनल मेंबर के साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। फिर थर्ड पैनल मेंबर जो थे वो लेडी थी, उन्होंने वेल्डिंग से पूछना शुरू किया। सबसे पहले वेल्डिंग का डेफिनेशन पूछे, उसके बाद क्लासिफिकेशन पूछे। तो मैंने सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड लिक्विड स्टेट ऐसे का क्लासिफिकेशन शुरू किया। फिर मैं सॉलिड स्टेट में कंफर्टेबल नहीं था, फिर जब डीप क्लासिफिकेशन जाने लगा तो मैंने लिक्विड स्टेट में गया। लिक्विड स्टेट में आर्क वेल्डिंग बताया, रेजिस्टेंस वेल्डिंग बताया और इधर केमिकल वेल्डिंग बताया।
देन वो मुझे वहां पर स्टॉप करके पूछते हैं, अच्छा रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या लिक्विड सेट वेल्डिंग में आता है? मैं थोड़ा सा पॉज लेके बोला, यस मैम आता है। तो अब सबको उस टाइम दिमाग में आता होगा, अच्छा रेजिस्टेंस वेल्डिंग उसमें तो मेटल लिक्विड स्टेट में नहीं जाता या फिर मेल्ट नहीं होता है, देन वो लिक्विड स्टेट में कैसे आता है? तो आप ऐसा बता सकते हैं कि वो लिक्विड स्टेट में भी दो तरह का हो सकता है, एक फ्यूजन एंड नॉन फ्यूजन। रेजिस्टेंट नॉन फ्यूजन में आता है जहां पर प्लास्टिक तक वो डिफॉर्म होता है। देन फिर वो बोले ठीक है फर्दर कंटिन्यू करो। देन मैंने आर्क वेल्डिंग क्लासिफिकेशन बताया, एक फ्लक्स कोटेड एंड एक शील्डेड गैस। फ्लक्स कोटेड में मैनुअल सबमर्ज और इधर शील्डेड में टिक मिक, ये सब क्लासिफिकेशन डिटेल में बताया। देन वो टिक और मिक का डिफरेंस पूछे, वो डिफरेंस मैंने बताया। देन वो मैम पूछती है टर्मिनल के बारे में, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है डीसी वेल्डिंग है हम लोग जो यूज करते हैं, पोलैरिटी के बारे में, पोलैरिटी के बारे में पूछे कि पॉजिटिव में कौन सा पोलैरिटी होता है, किस में कौन सा कनेक्ट होता है और नेगेटिव में कौन सा किस में कनेक्ट होता है। देन वो पूछा अच्छा पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसमें मतलब ज्यादा हीट, आप लोग पढ़े होंगे 2/3 हीट पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट मतलब जनरेट होता है एंड 1/3 नेगेटिव टर्मिनल में। तो वो मुझसे पूछे कि 2/3 क्यों पॉजिटिव टर्मिनल में जनरेट होता है। टू बी ऑनेस्ट इसका आंसर मुझे नहीं पता था, तो मैंने मैम को बोला सॉरी मैम इसका उन्हें पता नहीं है, तो मैं देखूंगा ऐसा क्यों होता है, मैंने सोचा इसके बारे में देखूंगा एक बार। देन वो मैम बोला ठीक है। फिर वो थोड़ा सा रिबेटिंग में आ गई, बोले रिबेटिंग का नाम सुने हो? मैंने बोला हाँ मैम सुने हैं, कुछ रिबेटिंग टाइप का ज्वाइंट का एग्जाम्पल बताओ। तो जो लेफ्ट ज्वाइंट बट ज्वाइंट होता है इससे एग्जाम्पल बताए। अच्छा मैम बोले ठीक है। देन चकलिंग और फोल्डिंग का नाम सुने हो? मैंने बोला यस मैम मैंने सुना है। तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करने बोले, तो उसमें मुझे ज्यादा तो पता नहीं था, मतलब पढ़े हुए थे लेकिन उस टाइम रिविजन नहीं हुआ था। मतलब मैम ये डिक प्रूफ के लिए यूज होता है, वो थोड़ा डीप में जाने लगे तो मैं बोला सर मैम नहीं पता है। तो थर्ड मेंबर के साथ इंटरेक्शन यहां तक रहा। देन फोर्थ मेंबर जो थे वो भी ओल्डिंग से पूछ रहे थे, एमपी सेल राल वाटर में ओल्डिंग का बहुत ज्यादा वोल्टेज था, ओल्डिंग से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को पूछा गया था। तो वो भी फिर ओल्डिंग से ही पूछे, ओल्डिंग का कौन कौन सा इक्विपमेंट एक ओल्डिंग में यूज होता है, तो एक एक करके सब मैं बताया। तो जब मैं इलेक्ट्रोड में आया बोला अच्छा इलेक्ट्रोड कैसे बना होता है, तो मैंने बताया कि एक फिलर डॉट होता है जिसके ऊपर फ्लक्स का कोटिंग होता है। देन वो फ्लक्स का थोड़ा इंग्रीडियंट पूछे, उसमें क्या क्या होता है, उसका मेन वर्क क्या है, फिलर डॉट किस चीज का बना होता है, देन वो सब एक एक करके बताया मैंने। देन वो बोला अच्छा फ्लक्स और फिलर डॉट में जब वेल्डिंग करते हैं तो पहले कौन सा मेल्ट होता है? देन मैं बताया था सर फिलर डॉट पहले मेल्ट होता है, आप लोग कोई एक एमसीक्यू भी करेंगे तो वहां पर देखिएगा फिलर डॉट आंसर आएगा। मैंने बताया सर फिलर डॉट पहले मेल्ट होता है, उसके बाद उसके ऊपर फ्लक्स आके गिरता है। तो बोले सर अच्छा गुड, अच्छा अब ये बताओ जब ओल्डिंग स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम तो फ्लक्स मेल्ट नहीं होता है, फ्लड रॉड मेल्ट होता है, उस टाइम मेरे ज्वाइंट को मेरे ओल्ड पुल को एटमॉस्फेयर से कैसे प्रोटेक्शन मिलता है? तो एक बहुत एक अच्छा क्वेश्चन किए थे लेकिन इसका भी आंसर मुझे पता नहीं था तो मैंने स्किप किया था। तो ओवरऑल एक चार पैनल मेंबर 20 मिनट से ऑलमोस्ट 35-36 क्वेश्चन उनसे पूछे थे जो आप लोगों को मैंने डिटेल में बताया है, आप लोग इससे थोड़ा बहुत आइडिया कर सकते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा है। क्वेश्चन मैक्सिमम बेसिक था लेकिन कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, थोड़ा डीप में जाके आपको उस लेवल तक तैयारी करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब जो आपके रेंज में है जितना आपको समझ आ रहा है बताना है, नहीं मतलब पता है तो थोड़ा सा पॉज लेना है, थोड़ा सा सोचना है, उसके बाद बताना है, डायरेक्टली नहीं मना करना है, ठीक है? गलत इंप्रेशन जाता है, थोड़ा सा पॉज लेके बताना है ना। हाँ बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया, इतना सही है और बाकी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे राकेश जी, तो उस टाइम पे अपना टाइम कैसे मैनेज करते थे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने देर पढ़ना है या फिर और जो भी काम है आपका, तो वो सब चीज कैसे आप हैंडल करते थे? अच्छा टाइम मैनेजमेंट बहुत एक चैलेंजिंग है, तो जो भी बच्चे अगर टेक्निकल का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो सबसे पहले मेरा एडवाइस रहेगा आप मैथ और रीजनिंग ये जो है ये जो नॉन टेक के बच्चे भी पढ़ते हैं वो आप पहले क्लास करके रख दीजिए और
उसका वीक में दो या तीन सेट लगाते रहिए, मिक्स क्वेश्चन का सेट, जिससे आपका रीजनिंग और मैथ रिवीजन होते रहेगा। कोई भी एग्जाम में देखेगा 10-10 नंबर का मैथ रीजनिंग दे ही देता है। और एक उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग चीज है जीके और इंग्लिश, जो बहुत सारे टेक्निकल बच्चे को दिक्कत होता है। तो किसी किसी एग्जाम में तो इंग्लिश नहीं रहता है, लेकिन जीके जरूर रहता है। तो अगर आप लोग पहले अगर एक बार हिस्ट्री वगैरह या फिर ये वगैरह का क्लास कर लिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस समय पहले एक बार स्टार्टिंग फेज में कर लिया था, तो आप सिर्फ एक डेली करंट अफेयर्स का जो लेक्चर है वो आप देखिए, जिसमें आपका करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर हो जाता है। जैसे मैं कुमार गौरव सर जो हिंदी में पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छे टीचर है, लेकिन मुझे हिंदी तो नहीं आता है लिखना, मैं बंगाली मीडियम से पढ़ा हूँ। तो मैं कृति मैम जो वाईफाई स्टडी में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में वो मैक्सिमम लिखाते हैं, तो मैं उनका क्लास फॉलो करता हूँ और डेली देखता हूँ करंट अफेयर्स। अगर आपका टेक्निकल उस लेवल पर आ गया है कि हाँ आपका 100 में से 80 बनने लगा है, तो आप डेली करंट अफेयर्स देखना शुरू करिए तब से। उससे पहले करंट अफेयर्स देखने का कोई मतलब नहीं है, वहां से आपका मतलब नॉन टेक भी कवर हो जाएगा, ऐसा टेक भी कवर हो जाएगा। तो मैं सक्रिय सुबह पहले उठ के 2 घंटा पढ़ लेने का काम करता था, जो मुझे थोड़ा सा नोट्स वगैरह जो रिविजन का काम होता है। देन उसके बाद 1 घंटा मैं लेक्चर देख लिया करंट अफेयर्स का लेक्चर। देन अब 2-2 घंटे में बाकी टाइम को डिवाइड करके मैकेनिकल को 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया था। एक थर्मल पोर्शन जिसमें थर्मोडायनामिक्स, आईसी इंजन, पावर प्लांट, HMT, ये 5 सब्जेक्ट आ जाते हैं, और एक मैं कोई मिस कर रहा हूँ। और एक है डिजाइन पोर्शन जिसमें मैकेनिक्स, सोम, टॉम, MD, FM ये सब। और एक है प्रोडक्शन सेक्शन जिसमें इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल साइंस, मेट्रोलॉजी ये सब। तो मैं 2-2 घंटे करके तीनों पोर्शन का टाइम देता था। जैसे आज अगर पावर प्लांट हुआ है तो 2 घंटे में पावर प्लांट वो खत्म होगा, देन वहां पर मैं सेम टाइम पर HMT शुरू करूंगा। तो आप भी ऐसे 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं जिससे सब सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली चल ले। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसको ज्यादा पढ़ लिए, जैसे प्रोडक्शन मुझे अच्छा नहीं लगता उसे छोड़ देते हैं, लेकिन तो उसका भी वेटेज होता है एग्जाम में, उसको भी आपको कवर करना है। तो ऐसे सबको लेकर साइमल्टेनियसली लेके चलना है, किसी एक को ज्यादा किसी एक को कम अगर महत्व दीजिएगा तो थोड़ा उसमें दिक्कत आता है। बिल्कुल सही बात कहा आपने, कि सभी चीज को बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपका यही सब चीज रहेगा, और बाकी आप 2-4 क्वेश्चन भी आप गलत करते हैं तो फिर बहुत पीछे चले जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, बस ऐसे ही, ठीक है ना, कि बोला जाता है कि सक्सेस के पीछे किसी लड़की का या किसी के केस में किसी लेडीज का ऐसा हाथ रहता है, तो आपके केस में क्या था, तो आप बताना चाहेंगे तो बताइए जितना आपसे हो पाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, और वो आपके लिए कौन है जो एक्स फैक्टर? अच्छा, मेरे लिए कोई एक पर्टिकुलर इंसान कोई एक नहीं है, मेरे लिए बहुत सारे मतलब ऐसे थे जो मुझे सपोर्ट किए थे। सबसे पहले मेरी मम्मी थी, हमेशा अगर कोई एग्जाम में मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, फाइनल लिस्ट में आउट हो जाता था, तो मैं हमेशा मेरे को बताता था कि मम्मी इस एग्जाम में मेरा नहीं हुआ है। देन मम्मी मुझे एक ही वर्ड मुझे बोलती थी जो मुझे बहुत मोटिवेट करता था, तो कोई नहीं बेटा इसमें नहीं हुआ तो अगला एग्जाम में जरूर हो जाएगा। अगर ऐसा बोलने वाला अगर कोई है, जैसे मेरे कैसे मेरे मम्मी है, मेरा गर्लफ्रेंड भी है, वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करती थी, इवन वो सेम ब्रांच से है तो मुझे हेल्प भी करती थी पढ़ाई लिखाई में। मेरे भैया है, सब एक ही बात बोलते थे, कोई नहीं इसमें नहीं हुआ अगले एग्जाम में जरूर होगा। अगर ऐसा बोलने वाला अगर आपके पास कोई है तो आप बहुत लकी है। मैं तो बहुत लकी हूँ इस मामले में। बिल्कुल सही बोला, तो क्या सभी लोगों को एक एक गर्लफ्रेंड रखना चाहिए? हाँ, ये आपका मतलब निजी चीज है। हाँ, अगर वो गर्लफ्रेंड समझ रही है कि हाँ अभी इसको पढ़ाई का जरूरत है, वो आपको पढ़ाई में मदद कर रही है, तो आपको जरूर रखना चाहिए। अगर नहीं, वो सिर्फ मतलब आपका टाइम बर्बाद कर रही है, मतलब आपको नहीं समझती आप किस स्टेज में है, तो मैं बोलूंगा उस सबसे निकल आइए, पहले सिलेक्शन लीजिए, इस सबके लिए बहुत टाइम है, लेकिन मैं दोनों साथ लेकर चला हूँ, मुझे इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं आया है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारा चीज लोगों को सीखने को जरूर मिलेगा इससे, और बहुत सारे लोग इस चीज को फॉलो करेंगे, तो आपका इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, और फिर समय मिलेगा, मौका मिलेगा तो हम लोग जरूर मिलेंगे एक साथ। अभी तो आप कोलकाता में हैं, हम गया में हैं,
तो वीडियो कॉल पे नहीं हो पाया तो हम ऑडियो रिकॉर्ड कर दिए हैं, ठीक है, और यही जाएगा चैनल पे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग जब मिलेंगे तो आगे का बातचीत होगा जो भी है ना। हाँ जरूर जरूर। ओके तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना इम्पोर्टेंट समय निकालने के लिए। फिर जैसे ही टाइम मिलता है हम लोग बात करते हैं, है ना। ठीक है ओके राकेश जी।